नमस्कार दोस्तों, आज आपको एक नई चीज़ दिखाते हैं जो न्यू टेक्नोलॉजी से तैयार कर रहे हैं, जो बिल्कुल कम पानी में और कम जगह में जो ये चीज़ें तैयार हो रही है वो आपको दिखाते हैं। इसे कहते हैं माल्टा, वैसे अपने हिंदी भाषा में बोलते हैं इसे मौसम्बी। ये देखिए, ये पेड़ लगभग ये भी 2 साल का हुआ है और इसे ड्रम में तैयार किया गया है, जो कि बहुत ही कम पानी और बहुत ही कम जगह और बहुत ही कम समय में जो प्रोडक्शन देती है वो वैरायटी है। इसे आप देखिए, ये लगभग 2 साल का पेड़ हुआ है। एक एक पेड़ से आप ये देख सकते हो साइज कैसी है। ये जो नया प्रोसेस तैयार हो रहा है इसे आपको दिखाते हैं। ये है, ये देखिए, एक एक पेड़ के ज़्यादा भी नहीं तो 50 मौसम्बी लगी हुई है। और इनकी साइज देखिए, पेड़ की कैपेसिटी नहीं है कि इतना वजन ले सके, पर फिर भी देखिए कितना शानदार फ्रूट लगा हुआ है। और इसी पे हम अगला स्टेप यूज कर रहे हैं, इसी पे हम काम करेंगे, क्योंकि ये कम पानी और पथरीली ज़मीन में सक्सेस है। जैसे नींबू और ये मौसम भी हुई, ये थोड़ी पथरीली ज़मीन में भी सक्सेस है। जहाँ पे थोड़ी पथरीली ज़मीन है तो उस जगह ये चीज़ बिल्कुल सक्सेस है। तो ये चीज़ें इसमें तैयार की गई है। और इसमें ये देखिए, ये ड्रम है, इनमें ये सैंपल के तौर पे पौधे तैयार किए जा रहे हैं। ये आप देखिए, इनका प्रोडक्ट और प्रोडक्शन कैपेसिटी, ये सारी चीज़ें जांचने के बाद पौधे तैयार होंगे। ये देखिए, सब बिल्कुल बहुत ही अच्छी वैरायटी है, ये हाइब्रिड में है। और इनमें जो फ्रूट्स लगे हुए हैं वो आपको दिखाते हैं अच्छे से। ये देखिए, सभी पेड़ों में बहुत ही अच्छे से फ्रूट्स लगे हैं, जो कि बहुत ही कम पानी और बहुत ही कम खाद में बिल्कुल तैयार हो रहा है। ये देखिए, इनमें जो खाद लगी हुई है, पानी लगा हुआ है, वो आपको दिखा रहे हैं। और ये ड्रम है, जो लगभग 200 लीटर वाला ड्रम आता है, उसी में तैयार किए गए हैं ये पौधे। तो बहुत ही अच्छा लगा, मुझे भी खुद को देख के बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि मैं इसी पे काम कर रहा हूँ। अगला स्टेप, अगली प्रोसेसिंग यही है मेरी, कि बहुत ही अच्छे तरीके से ऑर्गेनिक जो मौसम्बी होती है वो तैयार करें हम। और मैं सभी किसान भाइयों से ये कहता हूँ कि एक ही चीज़ के पीछे मत भागो, थोड़ा थोड़ा सभी चीज़ करके देखो, जिससे कि अपनी अर्निंग भी बनी रहेगी और बगीचा भी तैयार रहेगा। तो ये बहुत ही अच्छी अच्छी वेराइटियाँ यहाँ पे तैयार की गई है, तो इनका रेस्पॉन्स ही देखा गया है। अब इसको लार्ज स्केल में करने की तैयारी है। ये देखिए, ये अलग वेराइटी है, बिल्कुल अलग अलग वेराइटियों को पे काम हो रहा है। कौन सी वेराइटी ज़्यादा सक्सेसफुल है, कौन सी वेराइटी का प्रोडक्शन अच्छा है, ये सारी चीज़ें सैंपल के तौर पे देखी जा रही है। तो ये बहुत ही अच्छा लगा ये प्रोजेक्ट, और इस पे काम करना मुझे भी बहुत ही अच्छा लगेगा। ये देखिए, फ्रूट साइज जो अभी मैच्योर नहीं हुई, और कुछ दिनों में ये मैच्योर हो जाएगी, तब इनकी साइज लगभग 350-400 ग्राम का एक फ्रूट हो जाएगा। सभी किसान भाइयों से मैं ये कहता हूँ कि किसी भी एक चीज़ पे काम मत करो। अगर आप बागवानी में घुस रहे हो तो थोड़ी थोड़ी सारी चीज़ें करो, जिससे कि आपके फार्म की अर्निंग भी बनी रहेगी और सारा सिस्टम चलता रहेगा, प्रोडक्शन भी चलता रहेगा। जैसे नींबू है, नींबू लगा लिया, वो 12 महीने चलता है। अब ये मौसम भी हो गई, ये भी सीजनेबल भी है और 12 मंथ चलने वाली भी है। तो सारी चीज़ें, सारा प्रोडक्शन है, आप ये अच्छे से देख सकते हो। और इनको किस तरीके से तैयार कर रहे हैं ये भी आप देख लो, बिना मिट्टी, बिना कम पानी के कैसे ये पेड़ तैयार हो रहे हैं, आप खुद देखो एक बार। बहुत ही अच्छी पहल है ये, और मुझे लगता है आने वाले टाइम में पानी बहुत कम हो गया, तो किसानों को कुछ ऐसा ही करना होगा जिससे कि
उनकी ज़मीन की वैल्यू बनी रहे और उनसे कुछ अर्निंग बनी रहे, तो ये चीज़ें आगे जाके बहुत ही अच्छी साबित होंगी। और इसमें मैं खुद काम कर रहा हूँ, अभी मेरा रिसर्च चल रहा है, क्योंकि मैं अपने फार्म में ये डेवलप करना चाह रहा हूँ। इसी वजह से मैं आपको भी दिखा रहा हूँ कि आप भी देखिए और इस पे बिल्कुल काम करिए। हम इस पे काम करेंगे जो आपको पूरे अपडेट्स देते रहेंगे टाइम टू टाइम, कैसे इनमें पानी देना है, कैसे खाद देना है, कैसे कौन सी वैरायटी आपको लगानी है। हम भी इसी चीज़ पे रिसर्च कर रहे हैं, वो हम बहुत ही जल्द आपको बता देंगे। देखिए कितनी शानदार 2 साल के पेड़ में कितने शानदार मौसम भी लगी हुई है, बहुत ही अच्छा है। आप भी देखिए और आगे हम आपको अपडेट्स देते रहेंगे, इनके जो हम अपने फार्म में जनरेट कर रहे हैं वो सारी चीज़ें हम आपको बताते रहेंगे। थैंक यू, नमस्कार दोस्तों।